हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर, मोबाइल नंबर 91-40-48-21-04, 99-35-67-37-44, 93-65-24-24-4। आज हम लोग सिनकोना ऑफिसिनेलिस चाइना, बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन होम्योपैथिक की, इसमें गाल ब्लैडर स्टोन, पित्त की थैली में पथरी की मेन दवा है चाइना 30 या 200 या 1000 नंबर, 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में देने से 10-10 मिनट पे, आधे घंटे पे बार बार रिपीट करने से बहुत जल्दी स्टोन गलने लगता है। उसके साथ साथ कैल्केरिया कार्ड 200 बारी बारी से, एक बार चाइना 30-200 या 1000 नंबर, फिर आधे घंटे के बाद कैल्केरिया कार्ड 200 बारी बारी से देने से, वन एम की दवा रात में खाने के बाद 5 बूंद, फिर 10 मिनट के बाद फिर 5 बूंद चाइना था 1000 नंबर या 10000 नंबर देने से साप्ताहिक, फिर 1 हफ्ते के बाद कैल्केरिया कार्ड 1000 या 10000 नंबर रात में खाने के बाद 10-10 मिनट पे 2 बार, 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में दे दे, फिर 10 मिनट के बाद फिर 5 बूंद बारी बारी से हर हफ्ते में दवा बदल के लेने से पित्त की थैली में पथरी तुरंत गलने लगती है इमीडिएट। उसमें तेल, घी, मसाला, चीनी, चावल, आलू, अचार, खटाई, सिरका बिल्कुल न खाए, खट्टा चीनी, नींबू, खट्टी आइटम बिल्कुल न खाएं, मसालेदार बिल्कुल न खाएं, तेल, घी, मसाला, अचार, खटाई, सिरका। इसमें कार्डुआ स्मेराइनस चिलिडोनियम क्यू बारी बारी से आधे आधे घंटे बार बार लेने से बदल बदल के बहुत जल्दी पित्त की थैली में पथरी गलने लगती है। पेशाब पीला हो और जलन बहुत ज़्यादा हो तो उसमें कैंथेरिस 30 और बर्बेरिस 30 गुर्दे की पथरी के लिए बहुत उपयोगी है। आधे आधे घंटे 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से गुर्दे की भी पथरी गलने लगती है। और जलन में थ्यूजा 1000 नंबर 5 बूंद, फिर 10 मिनट के बाद फिर 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में ले ले, फिर रात में साप्ताहिक फ्यूजा 1000 नंबर बारी बारी से लेने से 10-10 मिनट पे खाने के बाद रात में 5 बूंद, फिर 10 मिनट बाद फिर 5 बूंद ले ले, उससे बहुत जल्दी लाभ होता है। और पथरी चाहे पित्त की थैली में हो चाहे गुर्दे की नली में या गुर्दे में या गॉल ब्लैडर या यूरिनरी ब्लैडर में, जलन में थ्यूजा 1000 नंबर 5 बूंद, फिर 10 मिनट के बाद फिर 5 बूंद ले लें। बार बार जो हम दवा रिपीट कर रहे हैं उसको नोट करते रहिए, और दवा बार बार 1 एम और 10 एम की दवा साप्ताहिक रात में ज़रूर लें, दिन में भी ले सकते हैं। और दवा बार बार बदलने से जो दवा फ़ायदा करे उसको बार बार दवा लेते रहें, फ़ायदा करने के बावजूद दूसरी दवा रिपीट न करें, दूसरी दवा न लें, वही दवा लें जो दवा काम करती है बार बार। मैं तेल, घी, मसाला, अचार, खटाई, सिरका, तेल, घी, मसाला, चीनी, चावल, आलू बिल्कुल न खाएं, तो 15-20 दिन के अंदर सारा पथरी स्टोन गल जाएगा और दर्द सारा सही हो जाएगा, जलन पेशाब की नली में, खाने की गल नली में जो जलन होता है उसमें सिलिडोनियम क्यू, कार्डुएस मेराइनस क्यू और एलेस्टोनिया 30 या 200 लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। अगर पच्ची टट्टियाँ हो तो एलो 200 ले। अब हम सिनकोना ऑफिसिनेलिस चाइना के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं।
शरीर से तरल पदार्थ का बहुत अधिक ह्रास निकल जाना, जिसे नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होना, डिकोरिया बहुत ज़्यादा होना, खून बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होना, खून बहना बहुत ज़्यादा चोट लगने पे, कमजोरी तथा अन्य बीमारियां, शरीर से इतना अधिक रक्त बह जाना कि रोगी को बेहोशी आने लगे, नज़र कमज़ोर पड़ जाए तथा कान के में घंटियों जैसी आवाज़ गूंजने लगे, पेट इतना फूल जाए कि जैसे खूब डटकर भोजन किया हो, इतना ज़्यादा गैस बनता। इसमें आसाफोटिडा क्यू भी बहुत अच्छा, हींग जो है नाभि पे लगा भी दे और खा भी ले, पानी में घोल के पी भी ले, एक गिलास बॉयल गुनगुना पानी में थोड़ा सा हींग एक चुटकी से कम, आधी चुटकी डाल के पीने से भी गैस बनना पेट में बहुत जल्दी फायदा हो जाता है। बच्चे अगर रो रहे हैं तो उनकी नाभि में हींग पानी में भिगो के उसको गोलाई से नाभि के चारों तरफ लगाने से दर्द तुरंत सही होने लगता है। उसमें बच्चों के दर्द में एकोनाइट 30 और काफिया 30 भी पेट दर्द में बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, और कैमोमिला 30, कोलोसिन 30 या 200 बारी बारी से देने से बहुत जल्दी पेट दर्द ठीक हो जाता है। पेट इतना फूल जाए कि जैसे खूब डट कर भोजन किया हो, रोगी को डकार आने और अधोवाज निकलने, पेट से गैस टट्टी के रास्ते से खारिज होने से भी दर्द में बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। लाइकोपोडियम 200 देने से तुरंत गैस कम होने लगता है। 4 बजे से 8 बजे तक गैस ज़्यादा बनता है खाने के बाद दिन में, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक, और पेशाब में लाल बालू की तरह से कण आने लगता है, खून पेशाब में आने लगता है। उसमें टेरिबिन 30 भी या 200 दवा बहुत जल्दी फ़ायदा करती है। लाइकोपोडियम 200 बहुत अच्छा काम करती है, परंतु किसी प्रकार का दर्द नहीं महसूस होता। रोग का बढ़ना, हर दूसरे दिन इस प्रकार की तकलीफ हो जाना बहुत ही अधिक संवेदनशीलता, यहाँ तक कि हल्का सा स्पर्श वायु का झोंका सहन न कर पाना, ठोस वस्तु का दबाव पड़ने पर राहत महसूस होना, शरीर से तरल पदार्थ काफ़ी मात्रा में निकल जाने के कारण जलोदर हो जाना, आम बात जलोदर। जलोदर के लिए एपोसाइनम 30 और एपिस 30 और चाइना 30 बारी बारी से लेने से आधे आधे घंटे 5 बूंद एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में बहुत जल्दी लाभ होता है। शारीरिक व्यायाम करने की अनिच्छा, अधीरता, स्पर्श हवा का झोंका सहन न कर पाना, प्रातः 3 बजे के उपरांत निद्रा ताजगीहीन, जागने पर चेहरा मुरझाया सा, नेत्र धसे हुए और उनके चारों तरफ नीले निशान, फेस की दवा है, चेहरा पीला ऐसा जैसे अत्यधिक संभोग किया, ज़्यादा जुटने से भी, इंटरकोर्स करने से, संभोग करने से भी चेहरा डाउन रहता है, आंखें धसी हुई मुरझाई, चारों तरफ नीले निशान, चेहरा पीला, ऐसा जैसे अत्यधिक संभोग किया। शरीर के सभी द्वारों से रुधिर का निकलना, हर आउटलेट से, नाक से, कान से, टट्टी के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से खून निकलता है। क्रोटेलस ऑर्डिस बहुत अच्छी दवा है, खून निकल, हर छिद्र से खून निकले। सल्फ्यूरिक एसिड 30 या 200, क्रोटेलस ऑर्डिस 30 या 200, विनाश फूटने पे नाक से भी क्रोटेलस ऑर्डिस बहुत अच्छा काम करता है।
और फेरम मेटेलिकम 30 या 200 बारी बारी से लेने से खून निकलना बंद हो जाता। रक्त काला या निकलते ही काला पड़ जाए तो हेमामिलिस 30 या क्यू दवा 5 बूंद एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से खून निकलना बंद हो जाता है। हेमामिलिस गाढ़े खून के लिए, काले खून के लिए, और फॉस्फोरस 30 या 200 ब्राइट रेड पतला खून के लिए बंद करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। प्यास भी अधिक व पसीना भी ज़्यादा हो, सोते समय कपड़ा ओढ़ लेने पर रोगी पसीने में नहा जाता है। ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग के लिए क्रोटेलस ऑर्डिस 30 या 200, एसिड साल 30 या 200, फेरम मेटेलिकम 30 या 200 और चाइना 30 या 200 बारी बारी से आधे आधे घंटे पर लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। एक्सेसिव स्वीट के लिए चाइना 30 और जैबोरंडी 30, कलकेरिया कार्ड 200 या 1000 नंबर लेने से पसीना नॉर्मल हो जाता है। कार्बोवे 30 भी बहुत गजब का काम करती है पसीना आने में। सिर में ज़्यादा पसीना हो तो कलकेरिया कार्ड 1000 नंबर या 10000 नंबर लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। प्रायः दोनों पद्धतियों के चिकित्सक इसका उपयोग कमजोरी की अवस्था में करते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर प्रायः हर प्रकार के रोगों में टॉनिक के आम सिद्धांत के रूप में इसका निर्धारण करते हैं, जबकि होम्योपैथिक चिकित्सक के लिए यह मात्र कमजोरी दूर करने वाली औषधि नहीं होती। होम्योपैथिक के जनक महात्मा हनेमन के अनुसार शरीर में खून व अन्य तरल तत्वों का क्षय, जैसे स्तनों का दूध, लार, श्वेत प्रदर, निकोरिया का स्राव और वीर ज़्यादा गिरने से होने से व्यक्ति को कमजोरी अनुभव होती, उसमें सिंकोना या चाइना का उपयोग किया जाना जरूरी है। साथ ही फोड़े फुंसी से अधिक मवाद निकलने और जीर्ण अतिसार रोग से उत्पन्न शारीरिक कमजोरी को भी दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। शरीर के किसी भी भाग, गर्भाशय, फेफड़े, आँख, नाक से जब अचानक रक्तस्राव होने लगे और उसके फलस्वरूप रोगी को बेहोशी आने लगे तो ठीक से दिखाई न पड़े और कानों में विचित्र सी ध्वनियाँ सुनाई देने लगे तो चाइना 30 या 200 या 1000 नंबर देने पर रोगी को पक्के तौर पे लाभ होता है। लेकिन दवा तब तक देते रहना चाहिए 2-3 महीने तक, जब तक कि उसका प्रभाव न दिखाई दे। साथ ही दवा की खुराक कम शक्ति की नहीं होनी चाहिए। प्रभाव दिखाई दे तो दवा बंद कर दें तथा काफ़ी समय के पश्चात ज़रूरत के अनुसार पुनः इस्तेमाल करें। चाइना का रक्तस्राव शरीर के लगभग सभी द्वारों से प्रारंभ होता है। यदि रक्तस्राव थोड़ा थोड़ा होता है और अधिक समय तक बराबर होते रहने के कारण कमजोरी महसूस करने लगता है तो मेटेरिया मेडिका की सहायता लेनी चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए कि लक्षणों में चाइना का प्रयोग करने की इजाज़त दी गई। स्थान की कमी के कारण वे सभी लक्षण इस पुस्तक में नहीं दिए गए, फिर भी पीला, सूजा हुआ तथा उतरा हुआ चेहरा, धंसी हुई आँखें और उनके नीचे कालिमा, टपक का सिरदर्द के लिए भी चाइना आर 30 5 बूंद एक गिलास बॉयल गुनगुना पानी में आधे आधे घंटे पर लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। और उनके नीचे कालिमा
टपक का सिर दर्द, रात में पसीना, हिलने डुलने पर या मेहनत करने पर सहज ही पसीना आता, इसके प्रधान लक्षण है। जब कोई दुर्बल रोगी होम्योपैथ के पास अपने इलाज के लिए पहुंचता है तो चिकित्सक को पहले ही उसे चाइना की खुराक देने के बारे में गंभीरता और सावधानी के साथ सोच विचार कर लेना चाहिए कि रोगी को कोई ऐसा स्राव तो नहीं हो रहा है जिससे उसकी शक्ति का क्षय हो रहा है। यदि रोगी स्त्री हो तो चिकित्सक को पहले यह अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि रोगिणी श्वेत प्रदर के से ग्रस्त तो नहीं है। स्त्रियां लज्जा और संकोच के वजह से बताती नहीं, कारण प्रायः अपनी यह तकलीफ चिकित्सक को छिपा लेती है। लिकोरिया की वजह से भी पानी जाने की वजह से ओवा टेस्टा 30 और चाइना 30 बहुत ज़रूरी है, और गाढ़े लिकोरिया के लिए पल्थर टीला 200 लेना बहुत ज़रूरी है। यदि रोगी पुरुष युवा है तो इस बात की पूरी संभावना रहती है कि धात क्षीणता से पीड़ित हो। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की सभी संभावनाओं पर चिकित्सक को पूरा ध्यान देना चाहिए। यदि चिकित्सक रोगी का पूरा विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो अपनी सारी तकलीफें बताने के लिए प्रेरित करेगा तो रोगी की लज्जा दूर हो जाएगी और वह कोई भी शिकायत या तकलीफ चिकित्सक से नहीं छिपाएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।